पीएम मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया। पीएम ने युवा शक्ति को साधने के लिए मंडी में युवा विजय संकल्प रैली को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा, युवाओं को प्रोत्साहित करना बीजेपी की प्राथमिकता है। इसके अलावा पीएम ने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा, मिलीजुली सरकारों ने देश का नुकसान किया है। हिमाचल प्रदेश में इसी साल के आखिरी में चुनाव होना है, इसके लिए पीएम की अगुवाई में बीजेपी तैयारी में जुटी हुई है। पीएफआई मेंबर शफीक पैट से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई के निशाने पर 12 जुलाई को पीएम का पटना दौरा था। पीएम के पटना दौरे के दौरान माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही थी। इसके लिए शफीक ने कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दी थी। पीएफआई की फंडिंग को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ। एक साल में पीएफआई के अकाउंट में देश विदेश से 120 करोड़ रुपए आए। पीएफआई ने 200 करोड़ से ज्यादा कैश इकट्ठा किया हुआ है। 22 सितंबर को पीएफआई पर हुई कार्रवाई को अब ऑपरेशन ऑक्टोपस नाम दिया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।